लुक दिस, ये हमारा था लेसन जो कल हम शुरू कर बैठे, जो हमने शुरू किया बच्चे ततारा वमीरो, ठीक है। और ये हमने कल पेज पढ़ा था वी वर देयर, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ दे वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। अमीरों की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी, अगर अमीरों ना आई तो मैं कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और, कुछ और। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, सचमुच वह वामीरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी, वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना ना भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे, कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक तक निहारते हुए वह जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था, अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वमीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़े। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल शब्दहीन। यानी शाम के समय आए, कब झुरमुट में सूर्य चला गया, कब अंधेरा होने लगा, उन्हें पता ही नहीं चला। और दोनों ने एक शब्द एक दूसरे से नहीं कहा। और अंधेरा होते ही सूरज समुद्र की लहरों, वर्ड ध्यान से सुनो, दैट इज नॉट समुंदर, समुद्र की लहरों में कहीं खो गया। अंधेरा बढ़ गया, अचानक वह मीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल शब्दहीन। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्णय में ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वामीरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। अंडरलाइन दे, हम कल ढूंढ रहे थे ना ततारा का गांव, है ना। वामीरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। दोनों का संबंध संभव न था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामीरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमत लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे, अफवाहें फैलती रही। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। अंडरलाइन दिस ऑल्सो, पशु पर्व, ठीक है। एक स्पेशल फेस्टिवल है, जानवरों का फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में होता क्या है, देखिए ये बड़ा क्वेश्चन बन के आ जाता है। जरूरी नहीं है क्वेश्चन आपको बैक एक्सरसाइज में से आएंगे, आपको क्वेश्चन बीच में से, लेसन में से, कहीं से भी बन के आ सकते हैं। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। यानी जानवरों को लड़ाया जाता है, जैसे मुर्गे के साथ मुर्गा, भैंसे के साथ भैंसा, ठीक है। या फिर अच्छे अच्छे पशुओं का प्रदर्शन, जैसे डॉग शो होता है ना वैसे, मतलब मेरा पशु ज्यादा ताकतवर है। या फिर पशुओं से युवकों का प्रतियोगिता, यानी कि कोई व्यक्ति पशु के साथ फाइट करता। वर्ष में एक बार सभी लोगों के, सभी गांव के लोग हिस्सा लेते थे। बाद में नृत्य संगीत और भोजन का भी आयोजन होता था। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक ना था। उसकी व्याकुल आंखें वामीरों को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता देखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वमीरो थी जो भाग्यवश सामने आने से झिझक रही थी, भयवश। सॉरी, उसकी आंखें तरल थी,
होठ कांप रहे थे, ततारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। ततारा विह्वल हो उठा, बेचैन हो उठा, उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा की कर्तव्य विमूढ़ था, क्या करें क्या ना करें की स्थिति में था। की कर्तव्य विमूढ़, क्या करें क्या ना करें की स्थिति। वामीरों के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो गई। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामीरों की माँ क्रोध में उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। ये ततारा के लिए असहनीय था। वामीरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से में भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर शोभ था यानी गुस्सा था, वहीं अपनी असहायता पर खीज कि मैं कुछ कर क्यों नहीं सकता। वामीरो का दुख उसे और गहरा रहा था। उसे मालूम ना था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध से उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह ना सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए, शमन मींस टू स्नब दैट, ओके, शमन करने के लिए, रोकने के लिए, उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खींच गई थी वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट से गूंजने लगी और लकीर की सीन में धरती बटती जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध से काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। वे सिहर उठे। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, ततारा ततारा, उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामीरो। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामीरो वामीरो वामीरो। उधर वामीरो भी ततारा 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 पुकार रही थी। ततारा लहू लुहान हो चुका था। बेटे वो लहू लुहान क्यों था? एक तो स्लिप कर रहा था, एक उसने जो तलवार प्रयोग में लाई थी वो तलवार उसने कभी पहले प्रयोग नहीं की थी, ठीक है। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था जो कि दूसरे हिस्से से संयोग वश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामीरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की किंतु कोई सुराग ना मिल सका। आज ना ततारा है ना वामीरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा
घर घर में सुनाई जाती है। उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है जो कार निकोबार से आज 96, 56, 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा व अमीरों की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। दैट्स ऑल। मेरे आगे तो बिल्कुल बेटे इन दो जो चित्र, इन दो व्यक्तियों के जो चित्र उभरते हैं स्पष्ट थे। अब आपके सामने कितने स्पष्ट थे मैं कुछ कह नहीं सकती। मौखिक क्वेश्चन मीन्स शॉर्ट क्वेश्चंस। ततारा व अमीरो कहाँ की कथा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार। ततारा का लगाना क्यों भूल गई? अपने सामने एक नवयुवक को खड़ा देखकर, अनजान नवयुवक को खड़ा देखकर वो अपना गाना भूल गई। ततारा ने वो अमीरो से क्या याचना की? ततारा ने वो अमीरो से याचना की कि वह उसे अपना नाम बता जाए और कल जरूर मिलने आए। ततारा और अमीरो के गांव में क्या रीति थी? एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोग से शादी नहीं कर सकते थे। क्रोध में ततारा ने क्या किया? ये क्वेश्चन छोटा नहीं है, ये क्वेश्चन बड़ा बन गया। यानी अभी हम ये अभी पढ़ के अटे हैं। क्रोध में ततारा ने क्या किया था? अपनी तलवार निकाली, लकड़ी की तलवार जिसे उसने पहले कभी प्रयोग नहीं किया था, शक्ति भर यानी पूरा जोर लगाकर जमीन में घोंप दी और उसे जोर से खींचने लगा। खींचता खींचता दूसरे किनारे तक ले गया। जहां तक वह तलवार ले गया वहां तक द्वीप दो हिस्सों में विभाजित हो गया। अब अगले क्वेश्चन, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? दक्षिता अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? कि मैम वो उसकी तलवार जो थी वो बहुत शक्तिशाली थी, वो अपनी तलवार का बहुत मान रखता था कि मतलब लेकिन कभी उसने मतलब मैम उसकी तलवार काफी मैजिकल थी, वो यही बोल मानते होते थे। ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था बेटे? दैट इज ऑन पेज, योर पेज 79 पे सेंटर में बेटे। तलवार के बारे में क्या था? मैम आपने बताया तो था कि वो विलक्षण रहस्य अब उसकी तलवार के बारे में था, मिस्टीरियस काफी। तलवार में एक विलक्षण दैवीय शक्ति है, उसने आज तक अपनी तलवार को कभी प्रयोग नहीं किया था लेकिन उसने उसे प्रयोग में नहीं लाया था। देखिए उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। लोगों का मत था बावजूद लकड़ी की होने के उसकी तलवार में एक दैवीय शक्ति थी, उसने अपनी तलवार को कभी प्रयोग नहीं किया था लेकिन कभी उस तलवार को अपने से अलग भी नहीं किया था। ठीक है, अगर मैं आपका ये ऊपर करके आपको दिखाऊं कहाँ है तो इट इज ये देखिए, ये देखिए। अब वह अपनी कमर के साथ सदैव एक लकड़ी की तलवार को बांधे रहता। स्क्रीन पे नजर आ रहा है बेटे? दक्षिता कैन यू सी ऑन स्क्रीन? यस मैम। मेरा कर्सर साथ चल रहा है। वह अपनी कमर के में सदैव एक लकड़ी की तलवार को बांधे रहता। लोगों का मत था कि बावजूद लकड़ी की होने में इस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग नहीं होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता, किंतु उसके चर्चित साहसी कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। ठीक है बच्चे, मिल गया सबको? नेक्स्ट है
वमीरों ने बेरुखी से, बेरुखी से क्या जवाब दिया? ये देखिए, जब उसे ज्ञात हुआ कि कोई अजनबी युवक उसे निःशब्द ताके जा रहा है ना, तो वह एक तो एकाएक ऊंची लहर उठने से भी वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई, ठीक है। और यहाँ पूछा गया है वमीरों ने बेरुखी से क्या जवाब दिया, उसने कहा कि इस तरह मुझे घूरने का और इस असंगत प्रश्न का क्या कारण है, अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं हूं, ठीक है। बेरुखी से उसने ये बात कही थी कि मैं केवल अपने गांव के लोगों को जवाब दे सकती हूँ, आपको मैं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ततारा वमीरों की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया, क्या परिवर्तन आया? दैट इज द एंड पार्ट ऑफ योर लेसन, क्या परिवर्तन आया? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इट इज, कि इन दो गांवों में भी संबंध होने लगा। ये देखिए, इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। ततारा वमीरों की त्यागमय मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी, ठीक है। दिस वॉज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, ततारा वमीरों की त्यागमय मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है, निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? ये देखिए क्वेश्चन यहाँ है, ये देखिए, ये है, निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे, क्यों पसंद करते थे बेटे? निकोबार के लोग ततारा को पसंद करते थे क्योंकि वह केवल अपने यहाँ के लोगों की मदद ही नहीं करता था, बल्कि दूसरे लोगों की मदद भी करता था। ये देखिए यहाँ है, सभी उसका, ये देखिए, ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता, अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीप समूह की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था, सभी लोग उसका आदर करते थे, ठीक है। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा पहुंच जाता। ओके, डन बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? ये शायद इससे ऊपर होगा, निकोबारियों का क्या विश्वास है? ये देखिए, निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है, यानी इसे आप डिटेल में लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन बड़ा आए तो आप उसे बड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। उनका विश्वास है कि ये दो प्रेमी थे, प्रेमियों के अलग होने से, इनकी कुर्बानी देने से इन दोनों द्वीपों में शादी के संबंध होने लगे, ठीक है। इन दोनों ने अपना बलिदान देकर जो परंपरा थी, जिसे मानने की बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता, समाज के सामने एक मिसाल कायम करने के लिए युगल को आज भी वहां के लोग याद रखते हैं, यानी इस परंपरा को खत्म करने के लिए उन्होंने बलिदान दिया। ओके, ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। ये देखिए यहाँ पे है, एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूर्य समुद्र लगे क्षितिज तले डूबने को था, समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी, पक्षियों की सायकालीन चहचहाटे शने शने मीन्स धीरे धीरे कम होने लगी थी, ठीक है।
आगे और सुंदरता का वर्णन देखिए, आगे भी है, समुद्री बालू पर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणें सुंदर लग रही थी। ठीक है जी, निशा एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा जी कि कितने स्टूडेंट्स हैं इस समय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वामीरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? वामीरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? आगे देखिए, थोड़ा सा अगला पेज होगा इससे। ये देखिए, ततारा का पूछा है तो यहाँ दोनों का लिखा है, दोनों का हृदय व्यथित थे, हम लिखेंगे ततारा का हृदय व्यथित रहने लगा। ठीक है, जो वो इंतजार कर रहा था समय से पहले पहुंच के, ये पहली बार हुआ था उसके साथ, वह हैरान भी था और रोमांचित भी था। ठीक है, उसे मालूम था, उसे पता था कि शायद वामीरो ना आए, फिर भी वह उसका इंतजार करने को प्रयासरत था, यानी उससे मिलने के बाद बिना बोले वह उसके प्यार में धंसता चला गया, बिना बोले वह उसके लिए कुछ भी कर सकता था। ठीक है, दोनों के भीतर कुछ बह रहा था, वह एक दूसरे को घंटों देखते रहते, ये देखिए एक चक में हारते और वह जाने कब तक खड़े रहते। ओके, ततारा के जीवन के परिवर्तन ही है ये बेटे सारे, कि ततारा कैसा था कैसा हो गया। प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? क्या आयोजन किया जाता था ये देखिए, प्राचीन काल में पशु पर्व रूपी आयोजन किए जाते थे, पशुओं का प्रदर्शन होता, पशुओं के साथ लोगों की जोर आजमाइश होती, पशुओं का पशुओं के साथ झगड़ा करवाया जाता, अपने हिष्ट पुष्ट पशुओं का प्रदर्शन किया जाता, जैसे डॉग शो होता है, प्रदर्शन किया जाता, फिर नृत्य संगीत होता, फिर उसके बाद खाने का कार्यक्रम चलता। ओके, प्राचीन काल में पशु पर्व जैसे पर्व आयोजित किए जाते हैं मन लगाने के लिए, लोग अपना दिल इसी तरह लगाते थे। ठीक है, मेरा ख्याल आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं, आप इतने कर लीजिए, जो दो तीन प्रश्न रह गए वो हम कल डिस्कस करेंगे और साथ में एक ग्रामर टॉपिक या फिर लिटरेचर की पोएम उठाएंगे हम। ठीक है विजय जी, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, stay safe at home, okay, goodbye with you.